देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं कुंदरी है। तो चलिए रेस्टोरेंट जैसा किस तरीके से इस कुंदरी का सब्जी बनाना है तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आप कट कर ले, ये देख सकते हैं लाल हो गई है। तो आप सबसे पहले धो ले और धोने के बाद आप इस तरीके से आप कट कर ले पतला पतला, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप कट कर ले। ये पतले पतले करके कट कर लेना है इस तरीके से। तो आज बनाना है रेस्टोरेंट जैसा। आप ढाबे वाले में सब्जी देखते हैं ना कि किस तरीके से बना होता है और सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से आज इस सब्जी को बनाना है। तो चलिए इस तरीके से कट कर लेना है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पहली बार नहीं है तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पतली पतली कट कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कुंदरी मेरी कट हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज है छोटी वाली, वो मैं इस तरीके से कट कर दूंगी। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि झटपट बनाना है, तो इस तरीके से आप कट कर दें। अगर आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते हैं तो आपके जैसा मर्जी वैसा आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्याज को कट कर देना है और कुंदरू को भी कट कर चुके हैं, वो तो दिखला ही दिए आप लोग को, तो आगे देख लीजिए बस इस तरीके से। और यहाँ पर आप टमाटर ले लें इस तरीके से, और टमाटर को भी उसी लंबे तरीके से आप कट कर ले इस तरीके से ऐसे। ज़्यादा बड़ा पीसेस में नहीं कट करना है क्योंकि कुंदरी भी वैसा ही है और प्याज भी उसी तरीके से मैं कट कर ली। अब चलिए आगे और क्या इसमें डालना है वो मैं दिखला। तो यहाँ पर आप दोनों ये तीनों सामान जो है कुंदरी प्याज टमाटर, वो तीनों को आप यहाँ पर डाल दें एक में। यहाँ पर मिक्स मसाला है उसको थोड़ी सी आप डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है। और आपको इस तरीके से आप हाथ से चाहे आप चम्मच से इसको मिला लें, मैं तो यहाँ हाथ से ही मिलाऊंगी क्योंकि मुझे हाथ से मिलाने में ही बहुत सुविधा लगती है चम्मच से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप मिला लें, यकीन मानिएगा इस तरीके का अगर कुंदरी का सब्जी बनाते हैं ना तो सभी मांग मांग करके खाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई बैठा चुकी है और यहाँ पर आप तेल डाल दें इस तरीके से। जब आपकी तेल जो है वो गर्म हो जाए तो आपको इसमें एक जीरा थोड़ी सी डाल दें और हींग, जीरा हींग तजपत्ता। उसके बाद अब जो कट करके रखे हैं उसको डाल दें इस तरीके से डाल दें और चला दें। इस तरीके के अगर आप कुंदरी की सब्जी बनाते हैं तो झटपट बनती है और बहुत ही पसंद करते हैं। आप देखे होंगे कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं या तो ढाबे पर जाते हैं तो आपको झटपट सब्जी बन के देती है, कोई खास बनी हुई नहीं होती है उसमें, कुछ अलग नहीं होती है, कुछ भी अलग नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किचन किंग मसाला है उसको आप डाल दें, और नॉर्मल जो पीसी हुई होती है मसाला आप उसे डाल दें। नॉर्मल जो घर में लहसुन मिर्चा अदरक पिसी हुई है वो मसाले को आप डाल दें, और ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं डालने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर धनिया को सजाने के लिए नहीं, धनिया को आप इसमें पहले पकाने के लिए डाल दें। तो इस तरीके से सब्जी अगर आपकी बनती है
तो चार चांद लग जाती है। पूछेंगे कि किस तरीके से आप बनाए हैं, क्योंकि उस तरीके के सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है और लगती भी है, क्योंकि ढाबे वाला सब्जी सभी लोग पसंद करते हैं। ढाबे में कोई भी चीज का सब्जी अगर दे दिया जाए तो सभी चाव से ही खाते हैं कि नहीं बहुत अच्छा सब्जी बना हुआ है, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर घर पर वही सब्जी बनाया जाए तो थोड़ी बहुत पसंद घर में नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप जिस तरीके से ढाबे में बनती है सब्जी, वो आप उसी तरीके से आप घर में भी बनाएं और सभी को पसंद आए और सभी लोग खाएं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा मसाला डाल चुके हैं, अब इसको धीरे धीरे इसको पकने देना है। तो चलिए देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। कुंदरू को सब्जी देख सकते हैं, इस तरीके से सब डाल देने के बाद इस तरीके से आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब देख सकते हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है और एक साथ बन करके तैयार हुई है और झटपट बनकर तैयार हुई है। इस तरीके का सब्जी सभी बहुत पसंद करते हैं। तो कैसा लगा मेरा सब्जी ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा जब आपको कुंदरी मिल जाए तो। तो चलिए खाली करके दिखला। तो ये देख सकते हैं मेरे कुंदरी की सब्जी किस तरीके से बन के तैयार हुई है, और गर्मा गर्म आप किसी चीज़ के साथ आप खाने के लिए दे दीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है, लाजवाब लगती है, खाने के लिए तैयार है। कैसा लगा कुंदरी की सब्जी ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा बना करके।